हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल रिटर्न ऑफ द इमॉर्टल एम्परर के एपिसोड नंबर 86 के साथ हाजिर हूँ। गाड़ा मिस नहीं करते हैं और चले स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो एल्डर तांग होते हैं वो फाइट करने के लिए डीमन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको देख कर सभी डर जाते हैं। और आज के एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर जो दद्दू होते हैं वो फाइट करने के लिए रेडी होते हैं और उससे बोलते हैं, कोई ज्ञान सभी को लेकर यहाँ से निकलो, मैं अपनी जान लगाकर, जान के दाव पर लगाकर भी इस डीमन को यहीं पर रोक के रखूँगा। तभी कोई ज्ञान उससे बोलता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कुंग्यान उसे वार्निंग देता है, हे तांग युन जी, भले ही तुम उस पावर का इस्तेमाल करो लेकिन तुम आज यहाँ पर मारे जाओगे। जिसको देखकर वो तांग एल्डर भड़क जाता है और उससे बोलता है कि कुंग्यान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना ज़्यादा नीचा समझने की, आज मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारता हूँ। और सीधे जाकर उस पर अटैक कर देता है। और तब भी कुंग्यान उससे गुस्से में अपने पंच की पावर दिखाता है और उससे बोलता है, तुम जैसा इंसान जो दूसरों की पावर्स को लेता है, एक असली मर्द सिर्फ अपनी पावर से फाइट करता है। और दोनों की जो फिस्ट आपस में टकराती है, मतलब मुक्के, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर जी एनर्जी जनरेट होती है, जिसके कारण बहुत बड़ा धमाका होता है और कुंग्यान पर लगातार अटैक किया जा रहा होता है और उस डीमन को बैंड बजा रहा होता है, जिसके कारण उसकी एक ही पंच में दूर जाकर गिरना स्टार्ट हो जाता है और देख कर सरप्राइज होता है और उसके मुँह से खून भी निकलने लगता है। और इसको देख कर बोलता है, आखिरकार ये किस तरीके की पावर है। और कुंग्यान आता है, उसको अपना मुक्का दिखाता है, साला हाथ तो ऐसे दिखा रहा था, वो दिखाते ना, वो समझ गया होगा कैसे दिखाते हैं हाथ को जब किसी को चिढ़ाना हो, तो ये वाली फिस्ट बना के दिखा रहा, बड़ा विनर विंगल तो नहीं निकाल रहा, पर ऐसे करके हम लोग होते हैं यार आपस में दोस्त वगैरह, तो ऐसे ही दिखाते हैं, तब मज़ा आता है। उसको दिखा रहा, बोलता है, मैं इस पंच को बोलता हूँ फ्लैट फिस्ट। इसको देख कर वो सरप्राइज होता है डीमन। और तभी हमें दिखाया जाता है जो रिंग की जो सील होती है वो जल्दी टूटने वाली होती है, और उसको बोलता है, तांग फैमिली, इसकी जो सील है वो जल्दी टूट जाएगी। और पीछे से हमें किसी को आते हुए दिखाया जाता है ब्लैक रॉक में, और हमें एक ब्लैक रॉक में एक इंसान को दिखाया जाता है, वो बोलता है, तांग फैमिली बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो चुकी है, और उसकी हिम्मत कैसी हुई बिना हमें बताए उस रिंग को चुराने की, आखिरकार वो हमें अच्छे से समझ तो रहे हैं, आखिरकार छोड़ो, अगर इस रिंग की जो सील है अगर उन्होंने तोड़ दी तो उन्हें रिवॉर्ड जो मिलेगा मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छा। और तभी हमें दिखाया जाता है एक चिल्ला आता है और उससे बोलता है, मास्टर यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। और उससे आकर बोलता है, जो हमारे सेकंड एल्डर हैं उन्हें सुयन फैमिली के द्वारा मार दिया गया है। और यहाँ पर जी एक और नमूना बैठा हुआ था रियल मतलब फर्स्ट एल्डर, मतलब कहे जाए तो ओनर टाइप का तांग फैमिली का, वो उस के मैजिक को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसको सुनने के बाद उसकी तो आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो भड़क जाता है और अपना सारा का सारा ऑरा रिलीज करते हुए बोलता है, उन सू फैमिली मेंबर्स की हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर को मारने की, आज मैं उन सभी पूरी पूरी फैमिली को ही तबाह कर दूंगा। और जो ब्लैक रैप बोला होता है वो उससे कहता है कि इस रिंग की सील को तोड़ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। और तभी वो चुकता है और उससे बोलता है, इस रिंग की जो सील है वो एक लेयर उसकी पहले ही तोड़ दी जा चुकी है और मेरा तो ब्रदर है उसे मार दिया गया है, अगर मैंने उसका बदला नहीं लिया तो मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं मिलने वाला, और तो और मैं इस रिंग की सील को तोड़ने के लिए फोकस भी नहीं कर पाऊँगा, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए मेरे ब्रदर का बदला लेने के लिए, एक बार मैंने अपना बदला ले लिया तो मैं इस रिंग की सील को तोड़ने के लिए पूरा बेस्ट दूंगा अपना, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए। और जो ब्लैक रॉक वाला बंदा होता है उससे बोलते हैं, अच्छा ठीक है, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारा आखिरी बार होगा, इसके बाद नहीं। और तभी वो कुछ रिंग जैसा कुछ निकालने लगता है। और तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, यहाँ पर सेकंड एल्डर मरा पड़ा होता है तांग फैमिली का, और कुंग्यान से वो दद्दू उससे बोलते हैं, कुंग्यान तुमने इस तांग युन जी को मार दिया है, तो इसका जो ब्रदर तांग ज़ियाओ है वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला, तुमसे बदला लेने के लिए ज़रूर आएगा, हमें उसके लिए तैयार रखना होगा। और तभी कुंग्यान उससे बोलता है, हमें प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि अब वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है तांग ज़ियाओ को, वो आता है और उससे बोलता है, आखिरकार मेरे ब्रदर को यहाँ पर किसने मारा, और एंट्री मारता है हीरो वाली और ज़मीन में गड्ढा कर देता है सीधे जमीन आसमान से जो कूदता है। तभी कुंग्यान उससे कहता है, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, मैंने अभी भी तुम्हारे ब्रदर को मार दिया है और अब तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो कि अब तुम्हें भी उसके पास भेज दिया जाए बिल्कुल साथ में ही। जिसको देखकर तांग ज़ियाओ भड़क जाता है और बोलता है, बहुत अच्छे तुम एक बच्चे हो लेकिन तुमने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है, आज मैं तुम्हें यहाँ पर ज़िंदा गाड़ दूंगा और तुम्हारी बोटी नहीं बोटी का ज़िंदा गाड़ेगा तो बोटी कैसे बच्चे की, मैं मतलब तेरे को अच्छे से मारूंगा। और उससे बोलता है, एल्डर मुझे माफ़ कर देना, मतलब ब्लैक रॉक वाले से, कि मैं मुझे माफ़ कर देना, मैं इसे खुद अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। तभी उसका ब्लैक रॉक वाला जो एल्डर होता है उससे बोलता है, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम कर सकते जो चाहे। तभी जो दद्दू होते हैं उसके सामने आते हैं कुंग्यान की और उससे बोलते हैं, कुंग्यान जो तुम्हारे सामने तांग ज़ियाओ खड़ा हुआ है वो इनिशियल रियलमी के पीक रियलमी पर है, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तभी सुतुतु उससे कहता है, ब्रदर कुंग्यान दद्दू ने बिल्कुल सही कहा, तुम अकेले उसे नहीं मार सकते। और तभी जो सेकंड एल्डर होती है COC की वो उससे बोलती है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा हम पावरफुल होंगे। और उसके जो एंसेस्टर होते हैं वो भी बोलते हैं, तुम्हें अपनी फीलिंग्स के साथ फाइट करने की जरूरत नहीं है। और तभी कुंग्यान उससे बोलता है, क्या
तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम पहले इतने ज़्यादा वीक बन चुके हो और तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे मार सकते हो। कितना ज़्यादा फनी गाया ये बंदा जी। सुनने के बाद उसके जो आसपास लोग खड़े होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। और तभी तांगजिया उससे बोलता है, तुम एरोगेंट बच्चे कहीं के, पहले तो मैं तुम्हें सिर्फ डायरेक्ट तड़पा तड़पा कर मारने का वाला था, लेकिन अब मेरा दिमाग बदल गया है, मेरा सनक सनक चुकी है। आता माजी सटक ली और अब मैं तुम्हें डायरेक्ट मार दूंगा एक हीट में। और सीधा जाकर अपनी फुल पावर से अटैक करता है और से बोलता है, अब मैं तुम्हारी बोटी बोटी करूंगा जिंदा गाड़ने की जगह पर। जिसको देखने के बाद दद्दू सरप्राइज होते हैं और उससे बोलते हैं, ये तो तांग फैमिली की स्पेशल टेक्निक है टाइगर फिस्ट। मैंने इस बात का अंदाजा भी लगाया था कि ये इस लेवल तक पहुंच जाएगा इस पावर के लिए। हे कुंगयान, तुम उसे मारने की कोशिश ना ही करो तो बेटर होगा। तभी कुंगयान अपना अटैक करता है और उससे बोलता है, तुम बिल्कुल अपने ब्रदर से थोड़े ज़्यादा पावरफुल हो जरूर, तो मुझे भी थोड़ा सा इस्तेमाल करनी होगी अपनी पावर को तुम्हें मारने के लिए। और तभी अब वो अपने कंटिन्यूस फ्लैट पंच के रेगुलरली इस्तेमाल करने लगता है। और तभी तांगजिया बोलता है, तुम्हारी जैसी चुटकू जैसी पावर मुझे नहीं मार सकती, क्या तुम सपने देख रहे हो? और तांगजिया भी अपने फुल पावर का इस्तेमाल करता है टाइगर पंच का, उसको पंच को रोकने के लिए, जिसके कारण कुंगयान भी अपना फुल पावर इस्तेमाल कर रहा होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट होने लगती है और दोनों की ताबड़तोड़ फाइट चलती है। और हमें दिखाया जाता है उसके तो सुझा दिया था पीट पीट कर, उसके दोनों के बीच की पेल दी उसने तो रख के अकेले। जिसको सुनने देखने के बाद जो तांग जियाओ है वो बोलता है, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे? और उनके जो दोनों बीस्ट होते हैं वो उसके पीछे छुप जाते हैं। तभी कोई ऐसा कहता है, तुम्हारे पास ये बस नाम है कूल और कुछ भी नहीं, लेकिन नाम से कुछ नहीं होने वाला, जो बेटर पंच होता है वो किसी को भी मार सकता है, अब जाओ मरो। जिसको देखकर तांगजा बोलता है, एल्डर हेल्प मी, मुझे बचाइए, मेरी मदद कीजिए। तभी ब्लैक रॉक वाला एल्डर उसकी मदद करता है और उससे बोलता है, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। और तभी उस पर तलवार फेंकता है और बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? और उसकी जो तलवार है सीधे कुंगयान की तरफ जाने लगती है और कुंगयान भी सीधा अपने फुल ब्लो से उसकी तलवार को रोकने की कोशिश करता है। तभी जो सुतुतु है और बाकी के उसके साथी हैं वो चिल्लाते हैं और उससे बोलते हैं, हे कुंगयान देख कर अपने पीछे। और दद्दू भी चिल्लाते हैं, जरा देख कर सावधान, तुम कमीने कहीं के। और हमें दिखाया जाता है उसकी तलवार को, उसकी तलवार उछल के दूर गिरती है और कुंगयान उससे बोलता है, मुझे माफ़ कर देना लेकिन आज तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता है। और सीधे जाकर तांग जियाओ के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसको अपने टुकड़े टुकड़े तो नहीं करता लेकिन अपनी फुल पावर से ब्लो देता है, मतलब पंच मारता है, जिसके कारण उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और वहीं पर वो पहुंच जाते हैं स्वर्ग में। तभी जो ब्लैक रोब वाला एल्डर होता है वो उससे बोलता है, कुंगयान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्लान को बर्बाद करने के लिए? और वो अपना ऑरा रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और बोलता है, आज मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। और तभी कुंगयान उससे बोलता है, जिसने मेरे से लास्ट टाइम मुझसे ये कहा था, उसकी ग्रेव पर जो ग्रास है, जो घास उग रही है, वो कम से कम 3 मीटर तक तो पहुंची गई होगी, सो समझे। और अपने स्कॉप बोर्ड की पावर रिलीज करता है, भाई कैसा लग रहा है ना, इसी को थंबनेल बनाएगा अपन। और जो एल्डर होता है वो भी फुल पावर ब्लो कर देता है अपना और उससे बोलता है, एल्डर हे कुंगयान अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं आज तुम्हारी इच्छा पूरी कर ही देता हूँ। और दोनों के दोनों फाइट करने के लिए बोलते हैं, चलो लेट्स फाइट। और तभी पीछे से आवाज आती है, जरा 1 मिनट रुको। और हमें दिखाया जाता है जो मास्टर जंग उसके सामने आ जाते हैं और उससे बोलते हैं, तुम दोनों वहीं के वहीं रुक जाओ, जो देखकर सरप्राइज होते हैं दोनों के दोनों। तभी जो मास्टर जंग कुंगयान से बोलते हैं, कुंगयान मेरे यहाँ पर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल था लेकिन तुम इस तरीके से शो ऑफ करो, मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरीके से शो ऑफ करो, मुझे भी थोड़ा मौका दो, मुझे भी ज्वाइन होना है इस पार्टी में, इस फाइट में। ये देखकर जो कुंगयान थोड़ा सरप्राइज होता है और बोलता है, अरे भाई अब तुझे क्या चाहिए भैया, यहाँ पर कोई पार्टी वार्टी तो चल नहीं रही, तो यहाँ पर आगे लड़ुआ लेने के लिए। अतभी मास्टर चैंग हंसता है और उससे बोलता है, इस बड़े ड्रामा से मुझे निपटने दो। और मन में सोचने लगता है कि कुंगयान तुम उसे अपने पंचों से मार नहीं सकते, लेकिन अगर मैंने इसे मार दिया तो मैं यहाँ का बॉस बन जाऊँगा और मैं यहाँ का मेन एक्टर जो हूँ। तभी कुंगयान उससे कहता है, हे मास्टर चैंग, चैन निंगमा, अबे यार चैंग कहेंगे तो बेटर है। और बोलता है, क्या तुम कर सकते हो सच में? तभी जो मास्टर चैंग उससे बोलता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं मास्टर चैंग सिर्फ अपने एक ही पंच से इसको पीट सकता हूँ। और तभी वो अपना एक्सप्लोजिव क्लसमन का इस्तेमाल करने लगता है उसके खिलाफ, जिसको देखकर जो एल्डर है वो भी सरप्राइज होता है और वो सारे तलस्मन उड़ के उसके पास जा रहे होते हैं। और वहाँ पर जैसे उस पर चिपकते तो वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और हंसने लगता है मास्टर जंग और उससे बोलता है, ये मेरा एक्सप्लोरेशन है, ये मेरी आर्ट है, ये एक कला है, आखिरकार तुम हो क्या चीज़, मेरे सामने अपने घुटने टेक दो और मेरे सामने माफ़ी मांगो अभी के अभी। और इसी एरोगेंट और इसी हंसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।